दिवसाध्यक्ष लोली पंजाबी समुदाय लोली के पर्व को बहुत धूमधाम से मनाता है। कथा साधक्षण इस प्रकार की है लोली की। किसी एक नगर में ब्राह्मण रहते थे, उनकी पुत्री बहुत सुंदर थी, नाम भी सुंदरी, उसका नाम ही सुंदर। उसके रूप एवं यौवन की चर्चा जगह जगह, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, यहां तक कि राजा तक भी सूचना पहुंची, अमुक ब्राह्मण की पुत्री बहुत सुंदर है। राजा आदेश देते हैं, ये तेरी पुत्री मेरे महल में होनी चाहिए, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। ब्राह्मण को यह बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए बेचारा सोच विचार में है, क्या करूं, राजा का आदेश है, ना मानूंगा, ना जाने क्या नुकसान मेरा कर देगा, क्या हानि मुझे पहुंचाएगा, ये हो सकता है मरवा डाले। एक दफा इसकी नजर मेरी लड़की पर है तो ये लेके रहेगा उसे, पर मैं नहीं चाहता एक ब्राह्मण लड़की राजघराने में जाए, इतने अच्छे संस्कार वाली लड़की गंदे संस्कार वाले व्यक्ति के पास चली जाए, मैं नहीं चाहता। अतएव जंगल में एक बहुत कुख्यात डाकू है, दुग्गा भट्टी, उसका नाम है दुग्गा भट्टी। उसके पास जाता है हिम्मत करके, वे भी खूनखार व्यक्ति है, डाके डालता है, मार डालता है। लेकिन गरीब का बहुत हमदर्द है, मददगार है। ब्राह्मण देवता ने उस डाकू को अपनी व्यथा सुनाई, ऐसी घटनाई है। दुग्गा ने कहा, ब्राह्मण आप घर जाओ, तेरी पुत्री का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, मैं राजा भी क्यों ना हो, मैं उसे लोहा लूंगा, मैं तेरी पुत्री को उसके घर नहीं जाने दूंगा, तू जा, पुत्री को यही मेरे पास छोड़ दे। ब्राह्मण को इस पर विश्वास है, इस मैन ऑफ करेक्टर, चरित्रवान व्यक्ति है। रातों रात जंगल से निकला है इस लड़की को, जिसे अभी से उसने अपनी पुत्री मानना शुरू कर दिया है, अपनी पुत्री के लिए एक ब्राह्मण लड़का युवक ढूंढा है, जंगल में रहने वाला, रिसेंटली कोई डकैती भी नहीं मिली, मानो खाली हाथ है बिल्कुल। अपनी पुत्री का विवाह ब्राह्मण युवक के साथ कर दिया, देने को कुछ था नहीं, थोड़ी सी शक्कर थी पड़ी हुई, वैद्य थी, कुछ थोड़ा सा और सामान था वह दे दिया, शेर भर शक्कर पड़ी हुई थी वह दे दी, कन्या के अपनी पुत्री के हाथ भी लेकर दी। तब इसी साधक्षण में ये लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है। राजा के साथ जैसी सूचना मिली युद्ध हुआ, राजा ने अपने सैनिक भेजे, इसे मार डालो, खत्म कर डालो। राजा को पता लग गया कि जिस ब्राह्मण लड़की को मेरे घर आना था उसका विवाह हो गया है और इसके कारण हुआ है, हुक्म हुआ इसे मरवा दो। सैनिक आए, राजा सहित आए, सबको इस शूरवीर ने मार डाला, खत्म कर डाला, भारी जीत। उसका उत्सव मनाने के लिए सबने अपने घर से निकल के बाहर लकड़ियां जलाई, लोहड़ी का त्योहार शुरू हो गया। पंजाब में अभी भी इस दुग्गा भट्टी की महिमा गाई जाती है।
पंजाबी दुग्गा भट्टी सही नाम तो नहीं लेते, दुल्ला भट्टी कहते हैं। सुंदर मुंदरिए ओ, तेरा कौन बेचारा ओ, दुल्ला भट्टी वाला ओ, दुल्ले तेवी आई ओ, शेर शक्कर पाई ओ। लड़के लड़कियां लोहड़ी मांगने के लिए जाते हैं। जिन घरों में नया नया विवाह हुआ होता है, पहली लोहड़ी होती है, नई शादी होती है, पहली लोहड़ी होती है, वहां से तो रुपये भी मिलते हैं, पॉपकॉर्न मिलते हैं, रेवड़ी चिटुड़े मिलते हैं, इत्यादि इत्यादि। जो आग जलाई जाती है उसमें भी ये सब चीजें डाली जाती हैं। काफी रात्रि तक, मध्य रात्रि के बाद तक लोग बैठ के आग के इर्द गिर्द आग सेकते हैं। सूर्य उदय होने से पहले उसकी राख अपने अपने घरों में ले जाते हैं, ईश्वर का वरदान मांग के, ईश्वर की ओर से उपहार है, उसे अपने अपने घरों में लोग संभाल के रखते हैं। वही उत्सव था सर्वक्षण कल, उसकी भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज के इस पर्व की भी बहुत बहुत बधाई। आज से सूर्यदेव उत्तरायण की ओर प्रयाण कर रहे हैं या करने वाले होंगे, उत्थान की ओर, उन्नति की ओर। अति शुभकामनाएं साधु जनों सबको, आध्यात्मिक उत्थान की ओर हमें भी बढ़ने का आज व्रत लेना चाहिए। भीष्म पितामह आज के दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे, कब सूर्य उत्तरायण, कब उत्तरायण शुरू होगा और मैं अपने प्राण त्यागूंगा। उस वक्त की बातें हैं जब ऐसा सोचा जाता था। आज के दिन की प्रतीक्षा भीष्म पितामह ने की, इसलिए शैया पर लेटे रहे। आज इच्छा प्रकट की, बस अब चलना चाहिए, और आज की मृत्यु हो जाती है। अति शुभकामनाएं साधु जनों बारम्बार।